नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं मुकेश टेक चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ इसका मशीन को ऑपरेट कैसे करेंगे, ऑटोमेटिक मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। ज़्यादातर फंक्शन एक टाइप के ही होते हैं, चाहे किसी भी कंपनी की हो। मेरे पास ये वर्लपूल की है, तो मैं इसी का को आप ऑपरेट करना बताता हूँ कि ऑपरेट कैसे करेंगे, ये काम कैसे करेगी। तो सबसे पहले हम इसको पावर ऑन कर लेते हैं इसकी। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन में जाकर आप इसको देख लीजिए। पावर ऑन करने के बाद आपका वाटर के लिए, पानी के लिए, जो पानी पिक करेगी उसके लिए आपको टैब, ये हमेशा ऑन ही रहता है। मैं इसको ऑन ही रखता हूँ हमेशा। ये अपने आप जब चलती है तो अपने आप ये पानी लेना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ऑपरेटिंग पैनल है। अब इसमें आपको पावर पर क्लिक करना है। यह मशीन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, 6 kg की है और इसका मॉडल है क्लासिक 601S। इसको पावर को ऑन करते हैं। अब हम जैसे हम पावर ऑन करेंगे, इस तरह का साउंड इसमें होना शुरू हो जाएगा। और इसको ओपन करते हैं और ये पानी अपना लेना शुरू कर देगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पावर ऑन करने के बाद आपको स्टार्ट पर बटन दबाना है। थर्ड नंबर है इसमें, उसमें हो सकता है कि कम ज़्यादा हो और किसी मशीन में। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखना, यहाँ से पानी आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। यह ऑटोमेटिक पानी लेना शुरू कर दिया इसने। और जितना ही पानी फिलअप हो रहा है, अब हम इसमें थोड़ा सा सेटिंग बता देते हैं। पानी कितना लेना है वो आप इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हाई पर है। अगर आप कम कपड़े हैं तो आप मीडियम पानी इसमें फिल कर सकते हैं, तो आधा ही टैंक इसमें फिल होगा। और उससे भी कम कपड़े हैं तो आप लो कर सकते हैं, उससे भी कम इसमें पानी फिलअप होगा। हाई है और ज़्यादा कपड़े हैं तो आप हाई कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो आप वेरी हाई भी इसको कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसको कम ज़्यादा करना है, पानी का चेंज करना है, तो उसके लिए आपको फिर दोबारा से स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे बीप देगा ये, और ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा वाटर लेवल। इस पर क्लिक करेंगे हम, इसको प्रेस करेंगे तो ये देखना मूव होगा, ये पोर्शन मूव होना शुरू हो जाएगा। वेरी हाई पर हो गया, फिर दोबारा प्रेस करेंगे लो पर आ गया, मीडियम पर आ गया, हाई पर आ गया, वेरी हाई पर आ गया। मैं लो पर इसको रखता हूँ। लो पर रखने के बाद अब पावर को बंद करेंगे पहले, फिर दोबारा ऑन करेंगे। इसको लो पर सेट कर लीजिए और फिर अब इसको पावर पर क्लिक कीजिए। अब ये लो मोड पर सेलेक्ट है और पानी लेना इसने स्टार्ट कर दिया। ये तो पानी की सेटिंग आपको समझ में आ गई। अब इसमें आता है दूसरा पोर्शन कि आपको ये किस हिसाब से, मतलब धुलाई इसकी कपड़ों की करनी है, नॉर्मल, स्पीडी, हैवी या डेलिकेट। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी मोड आपको सेलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर दोबारा पर स्टार्ट पर क्लिक करना है, इस पर बटन दबाना है और इसको हम प्रोग्राम पर जाकर सेट कर सकते हैं। हैवी करना है, मतलब ज़्यादा आपको फास्ट धुलाई करनी है, उससे ज़्यादा फास्ट धुलाई करनी है, तो आप
इन मोडों को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मल पे इसे रखा हुआ हूँ, तो नॉर्मल पे आप इसको रख सकते हैं, ज़्यादातर नॉर्मल पर ही रखते हैं। तो इसके बाद में इसको आप फ्री स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। ये पानी फ्री स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर एक सेटिंग करनी है, वॉश ऑप्शन, ये आप देख रहे हैं वॉश ऑप्शन। धुलाई करनी है, धुलाई के बाद में ये आप एरो देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि धुलाई के बाद ये रिंज होना शुरू हो जाए, सुखाना मतलब कपड़ों को निचोड़ना स्टार्ट कर दे, उसके बाद में स्पिन करना शुरू कर दे, मतलब कपड़ों को सुखा दे। ये तीनों कैटेगरी अगर आपको सेलेक्ट रखनी है तो इस तरह से आप इसको रहने दीजिए। अब आपने सपोज़ कि ये कपड़े धुल चुके हो आप, उसके बाद आपको सिर्फ निचोड़ने हैं और सुखाने हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम आपको यहाँ पर सेट करना होगा। उसके लिए सिर्फ आपको दोबारा से स्टार्ट पर क्लिक करना है, ये फिर स्टॉप हो जाएगी, और ये वॉश ऑप्शन पर प्रेस करना है। ये देखिए अब ओनली ये वॉश करेगी, धुलने के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अब धुलेगी और निचोड़ेगी। अब वॉश नहीं करेगी, सिर्फ ये कपड़ों को निचोड़ना शुरू कर देगी और फिर वो सुखाकर मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ओनली निचोड़ेगी, ओनली सुखाएगी, सुखाने के बाद अपने आप ही बंद हो जाएगी। ये वॉश ऑप्शन है, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, या अब तीनों को भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली ये तीनों ही सेलेक्ट होते हैं, तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरा डेमो करके दिखाऊंगा, आप प्लीज़ वीडियो के साथ में बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।